ने विचार देखे माननीय ओम बिरला जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम पूज्य प्रजापति पिता ब्रह्म बाबा का स्मरण करते हुए ब्रह्म कुमारी संस्थान ने आज पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान और शांति राजयोग के माध्यम से देश और दुनिया के करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तन किया है। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मॉरिशस के हमारे एक्सलेंसी एम्बेसडर श्री एच बी हनुमान जी, एक्सलेंसी एम्बेसडर गनबोल्ड दंबावत जी, जिन्होंने पूरे देश के अंदर करोड़ों वर्ष पेड़ लगाकर और मानवता के अंदर एक प्रकृति के लिए एक संदेश देने का काम किया, स्वामी प्रेम परिवर्तन जी, क्लीन द माइंड एंड क्लीन द अर्थ, इस विषय को लेकर देश और दुनिया में अपना काम करने वाले श्री श्रीनिवास राजू जी, इस संस्थान के मार्गदर्शक एडिशनल सेक्रेटरी, जिन्होंने अपना सारा जीवन मानवता के लिए समर्पित कर दिया, श्री वी के ब्रजमोहन जी, हमारी दादी माँ वी के आशा जी, वी के पुष्पा जी, वी के शकुन जी, वी के उर्मल जी, वी के सपना जी और देश भर से आए सभी भाइयों और बहनों, मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज जिस विषय को लेकर पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश देने का काम किया है, आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण को इस वर्ष एक संकल्प के रूप में, एक प्रतिज्ञा के रूप में देशवासियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहां भी आध्यात्मिक और प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग रहते हैं उनके लिए एक संदेश देने का काम किया। ये वर्ष आपने उत्कृष्ट मानव मूल्यों, दया और करुणा के लिए समर्पित किया है और आज दुनिया की सोच विचारों को परिवर्तन करने के लिए यह आज़ादी का संकल्प पर हम भारत में तो परिवर्तन करेंगे सही,
लेकिन दुनिया के अंदर दया और करुणा का संकल्प, संदेश पहुंचाने का संकल्प भी हम लेंगे। दया और करुणा मानव के ऐसे नैतिक मूल्य हैं जो अहंकार, लालच, क्रोध को खत्म करते हैं, और इसीलिए मानव जीवन के अंदर अगर हमें क्रोध, लोभ, अहंकार को समाप्त करना है तो अपने जीवन में दया करुणा को अपनाना होगा। और इसीलिए हमारे प्राचीनतम काल से हमारी आध्यात्मिक, हमारी संस्कृति दया और करुणा पर आधारित रही है। लेकिन समय परिवर्तन के साथ जो जो समाज में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के साथ हमें फिर से लोगों के जीवन के अंदर क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह को त्याग कर दया और करुणा की ओर दुनिया को ले जाने का काम किया। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों ने बरसों पुराना दया करुणा का संदेश इस देश को दिया, दुनिया को दिया। भगवान बुद्ध आज भी केवल भारत में नहीं, दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर दया, करुणा, क्षमा का संदेश देते हैं। भगवान महावीर, जिन्होंने हमेशा अहिंसा अपने जीवन में अपनाई और जीव मात्र के प्रति भी, चाहे पशु हो, चाहे पेड़ हो, जिसमें भी जीव है, उस जीव के प्रति अहिंसा का उन्होंने संदेश दुनिया को दिया। गुरु नानक देव जी ने और इस संस्था के संस्थापक बाबा लेखराज जी ने, जिन्होंने आज पूरे देश में और दुनिया के अंदर जिनके आध्यात्मिक ज्ञान से, जिनके राजयोग से, जिन्होंने लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया और लोगों को श्रेष्ठ जीवन की ओर ले जाने का जो संदेश दिया करुणा और दया का, इसके लिए मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। नैतिकता से युक्त और श्रेष्ठ एवं संपूर्ण मानवीय गुणों से युक्त नागरिक एवं सभ्य समाज के निर्माण की दिशा में ब्रह्मा कुमारी संस्थान का बहुत बड़ा योगदान इस देश में भी है और विश्व के कई देशों के अंदर भी है। और इसीलिए आज इस संस्था ने पूरे संसार को आध्यात्मिक और आत्म विकास की एक महान सीख दी है। इस संस्थान का संदेश है कि हम आध्यात्मिक से आत्म विकास की ओर बढ़ें, और यही कारण है आज करोड़ों लोग इस संस्था से जुड़े हैं और करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तन करने का काम किया है। कुछ दिन पहले ही अमृत महोत्सव के आपके कार्यक्रम में मैं भी शामिल हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आपने उस समय इस संकल्प के साथ कि हम आजादी के अमृत महोत्सव को जन जन का उत्सव बनाएंगे, आजादी के अमृत महोत्सव को हम स्वर्णिम भारत के को ले जाने का अभियान बढ़ाएंगे, और आज इस अभियान के तहत आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, चाहे शिक्षा के अंदर हो, स्वास्थ्य में हो, पर्यावरण संरक्षण में हो, आध्यात्मिक प्रसार में हो, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इस संस्था ने स्वर्णिम भारत की ओर ले जाने में जो आपका योगदान है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक
ब्रह्मा कुमारी इसने समस्त मानवता को राजयोग का मार्ग दिखाया। यहाँ हमारे कई भाई और बहन बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन में राजयोग के माध्यम से अपने आत्मा और परमात्मा के नज़दीक पहुँचने का काम किया। अभी सही कहा ब्रजमोहन जी ने कि व्यक्ति के जीवन में आत्मशुद्धि उसकी मन शुद्धि की ओर है, और इसीलिए ब्रह्मा कुमारी जी ने राजयोग के माध्यम से मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय करते हुए स्वयं को परमात्मा के जोड़ने का मार्ग दिखाया है, और इसीलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान आज देश के जन जन के अंदर और देश के विशेष रूप से नौजवानों के अंदर, जब नौजवान टेंस में है, तनाव में है, उस समय राजयोग के माध्यम से और ध्यान के योग के माध्यम से उनके जीवन में और बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ध्यान और आध्यात्मिक जीवन के अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह को दूर करता है, और इसीलिए व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास अगर पैदा करना है तो उसको एकाग्रता होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए और उसका आत्मविकास होना चाहिए। और ये शिक्षा हमें प्रारंभिक काल से ही विद्यालयों के अंदर उन नौजवान विद्यार्थियों को देने की आवश्यकता है, जब विद्यार्थी शुरू से ही आध्यात्मिक ज्ञान की ओर उसका जीवन बढ़ेगा। जिस तरीके से नन्हे पौधे को लगाता है तो वटवृक्ष बनता है, जैसे संस्कार हम हमारी नई पीढ़ी को देंगे वैसी ही संस्कारित हमारी पीढ़ी होगी, और इसीलिए इस संस्थान ने लगातार विद्यार्थियों को जिस तरीके से किलोमीटर की यात्रा, मैंने खुद ने एक यात्रा शुरू की थी, जब किलोमीटर तक विद्यार्थी इस यात्रा के रथ को ले जाता रहे, गांव गांव ढानी ढानी के अंदर उन नौजवान विद्यार्थियों के जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति जलाने का काम करते हैं, इसके लिए भी मैं इस संस्था को विशेष रूप से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। हम जब हमारी प्राचीनतम संस्कृति में जाते हैं, प्राचीनतम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बाबा ने कहा था कि भगवान शिव की मुद्रा के अंदर, भगवान बुद्ध की मुद्रा के अंदर, भगवान महावीर की मुद्रा के अंदर हम किस तरीके से अपने जीवन के अंदर ध्यान और आत्मविकास के माध्यम से अपने जीवन में आत्मिक विकास कर सकते हैं, और इसी दिशा के अंदर आज बाबा ने ले जाने का काम देश और दुनिया को करा है। साथियों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ की संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की भावना से चलती है, और आज हमने इस कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर दुनिया को संदेश दिया है कि सारा विश्व हमारा परिवार है, और इसीलिए जब दुनिया में कोरोना वैश्विक महामारी का संकट आया तो हमने दुनिया को अपना परिवार मानकर सारे देश के अंदर, चाहे दवाइयां हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे योग हो, किसी न किसी माध्यम से उस परिवार को, जो हमारा विश्व हमारा परिवार है, सहयोग करने का काम किया। और आज हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत वह देश है जहाँ सामूहिकता की संस्कृति है, और हमने इस दुनिया को संदेश दिया कि आध्यात्मिक ज्ञान है और हमारी संस्कृति और संस्कार ही व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, और इसीलिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने उस समय कोरोना के वैश्विक संकट के समय ये एक संदेश दुनिया को दिया कि किस तरीके से हम एक आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं और अपने जीवन के अंदर भी
परिवर्तन करने का कोई साधन है तो वह आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान है और उसके साथ आत्मविकास है, जिसके लिए देश भर के अंदर भी और विश्व के अलग अलग केंद्रों के माध्यम से भी ब्रह्मा कुमारी संस्था ने जो काम किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि ये संस्था मानवता के लिए काम करती है और जहाँ जहाँ भी मानवता पे संकट उत्पन्न होता है ये संस्था मानवता को बचाने के लिए काम करती है। आज आप देखिए कि पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर जब दुनिया चिंतित है तो किस तरीके से इस संस्थान ने पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन बनाकर कि हम प्रकृति को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है और उसको आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का जो काम किया है उसके लिए मैं विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये संदेश एक जन आंदोलन बनेगा कि हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी हमें कल्पवृक्ष के अन्य पेड़ों को लगाकर हमारी प्रकृति संरक्षण और जीवों का संरक्षण करना है। इसके लिए मैं विशेष रूप से यहाँ के संस्था को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। आपने जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर अहिंसा, शांति, सद्भाव, एकता का संदेश दिया है, जिसके माध्यम से आपने इस देश और दुनिया के लोगों का मार्ग प्रशस्त किया है, इसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, हमारा देश दुनिया का सबसे नौजवान देश है और इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से हम सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक चेतना से उनको ऊर्जा प्रदान करें। और इसीलिए जब समाज में हम उनको नैतिक मूल्य और नैतिक मार्ग पर बताने का आत्मबल, उनके जीवन में ऊर्जा देंगे, नई दिशा देंगे, तो निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी जो दुनिया के अंदर परिवर्तन करने जा रही है, जो आध्यात्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और समाज के अंदर नए इनोवेशन, नई सोच, नए विचार, नई तकनीकी के माध्यम से हमारे नौजवानों ने भारत की शक्ति को बढ़ाया, ऊर्जा को बढ़ाया और हमारे नौजवान की अद्भुत शक्ति ऊर्जा के माध्यम से दुनिया के अंदर एक ताकत उभर कर आई है। लेकिन उस ताकत को हमें एक नैतिक ऊर्जा देने की आवश्यकता है, नैतिक ज्ञान देने की आवश्यकता है, नैतिक आध्यात्मिक दिशा देने की आवश्यकता है, ताकि वो जब मार्ग पर चले तो सत्य के मार्ग पर चले और सत्य के मार्ग की हमेशा जीत होती है। ये दिशा भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान नौजवानों को दे रही है, इसके लिए मैं विशेष रूप से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथियों, ये वर्ष आज़ादी के संकल्प का वर्ष है और जिस तरीके से ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये अभियान शुरू किया है स्वर्णिम भारत का, और इस स्वर्णिम भारत के अभियान के अंदर हमें देश के हर नौजवान को, देश के हर नागरिक को जोड़ना है। किस तरीके से हम स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं, हमारा क्या सपना है, इस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें सामूहिकता से साथ काम करने की आवश्यकता है। हमने 75 वर्ष आज़ादी के पड़ाव को प्राप्त किया है और इस 75 वर्ष के अंदर आर्थिक और सामाजिक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, आध्यात्मिक भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन अब आने वाले समय के अंदर जब हमारे आज़ादी के 100 साल हों तो हमारा सपना है कि दुनिया के अंदर आध्यात्मिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और नैतिक मूल्यों के अंदर भी भारत दुनिया का मार्गदर्शन वाला देश बने, दुनिया का एक सशक्त राष्ट्र बने, इसके लिए हम सबको सामूहिकता से काम करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है पूरा देश सामूहिकता की संकल्प शक्ति के साथ काम करेगा तो जो सपना स्वर्णिम भारत का हमने देखा है उस स्वर्णिम भारत के सपने को हम पूरा कर पाएंगे और इसके लिए हम सबका किसी न किसी तरीके से
योगदान होना चाहिए कि मैं भी इस राष्ट्र के प्रति अपना कुछ न कुछ योगदान दूं, इस भावना के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान इस देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जहां भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बहन भाई हैं, पूरी संकल्प शक्ति के साथ, पूरी समर्थ शक्ति के साथ, पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जिस तरीके से स्वर्णिम भारत के बनाने के अभियान में लगे हुए हैं, आने वाले समय में ऐसी कई संस्थाओं के माध्यम से देश की जनता स्वर्णिम भारत के अभियान को आगे बढ़ाएगी और इस स्वर्णिम भारत के अभियान को हम पूरा करेंगे। इस काम को हम सबको मिलकर करना है। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ मैं आशा करता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के भाई बहन केवल अपनी संस्थान के लोगों के नहीं, देश के और लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। हमारे कई प्रकल्प ऐसे हैं जो नैतिक मूल्यों को साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करते हैं। हमारे सामाजिक प्रकल्प, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा हो, ऐसे बहुत सारे प्रकल्प ब्रह्मा कुमारी संस्थान चलाती रहती है। मेरा तो विशेष रूप से इस संस्थान से बड़ा पारिवारिक का संबंध है। मैं माउंट आबू भी गया था और जब जब भी इस संस्थान का आमंत्रण आता है मैं कोशिश करता हूँ मैं आपके बीच में आऊँ, क्योंकि आपके बीच में आता हूँ मुझे नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है, नई सामर्थ्य मिलती है, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। और इस ऊर्जा और शक्ति सामर्थ्य के साथ मैं इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से किस तरीके से हमारे जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया उन लोगों के सपनों को हम पूरा कर पाएं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप सबका सहयोग और आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।